गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, दिस इज वनीषा, योर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एंड हैव कम्प्लीटेड यूअर वर्क अप टू चैप्टर नंबर 8 ऑफ ग्रामर। तो बेटा हमने 8 चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं ग्रामर के। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, दैट इज अबाउट प्रोनाउंस। वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने प्रोनाउंस किए होंगे, तो आज हम उसको दोबारा से कर रहे हैं। सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। आपको इसमें क्या दे रखा है? पहले एक पैराग्राफ दे रखा है ताजमहल के ऊपर। तो इसमें देखो बार बार ताजमहल ताजमहल का यूज़ किया गया है। देखो कितनी 4-5 टाइम्स इन्होंने ताजमहल का यूज़ किया है। और सेकंड पैराग्राफ में क्या किया है? ताजमहल की जगह पे ईट का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? ईट का। तो ये ज़्यादा ऊपर वाला अच्छा लग रहा है कि नीचे वाला अच्छा लग रहा है? क्योंकि हम जब भी कुछ भी लिखते हैं राइटिंग में और उसमें हम बार बार एक ही चीज़ का नाम बार बार लिखते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता राइटिंग में, देखने वालों को भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। और हम उस बार बार नेम की जगह पे हम कोई ना कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउन। जैसे ताजमहल है, इसकी जगह पे इट यूज़ किया गया है बार बार नीचे, देखो। तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस क्या आते हैं? प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बनेगी? द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। मतलब बार बार एक नाम ना आए उसको ख़त्म करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आप क्या लिख सकते हो? ही, शी, इट, दे, वी, आई, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन। आफ्टर दैट बेटा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? इन यूर सिलेबस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मैनी टाइप्स? देयर फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोजेसिव प्रोनाउन, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यू हैव टू लर्न ऑल दी स्पेलिंग्स केयरफुली, आइदर इट इज़ अ पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आपको इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है ताकि आप पेपर अच्छे से कर पाओ। तो फर्स्ट आपका है पर्सनल प्रोनाउन, टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे आता है? हमारा स्टार्टिंग में आता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है? एंड में आता है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आपको दे रखे आई, यू, ही, शी, वी, दे, मी, इट, हिज, हर, अस, देम, तो ये सभी हमारे क्या हो गए हैं? पर्सनल प्रोनाउन, जिनको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आई हूँ, आप सुन रहे हो, यू, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ही, शी, इट होते हैं या दे होते हैं, तो वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, आई गेव हिम द बुक, शी हेल्प्ड मी, यू शुड लिसन टू हर। ओके, एंड सेकंड आपका पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? आपका पोजेशन शो किया जाता है। जैसे कोई चीज़ आपकी है, जैसे आपके पास आपकी बुक क्या है? मेरे पास मेरी है। तो आप बोल सकते हो ना, आपकी बुक पे नेम लिखते हो, आप बोल सकते हो दिस इज़ माइन। तो माइन क्या है? आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। माइन में आप पोजेसिव प्रोनाउन में ये सभी वर्ड्स आते हैं आपके, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। ओके, तो इन सभी को आपको लर्न करना पड़ेगा कि पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से हमारे वर्ड्स आते हैं। अंडरस्टूड? कोई भी चीज़ आपकी है या उसकी है या तुम्हारी है या मेरी है, तो वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। जैसे दोज आर हिज बिलोंगिंग, कि ये उसकी चीज़ें हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? टर्न्स बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट, जैसे मैं हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं अपना काम खुद से कर लूँगी, या आप कहते हो मैं अपना काम खुद से कर लूँगा, या वह अपना काम
खुद कर लेगा, स्वयं कर लेगा। तो अपने आप से करने को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्ट खुद ही अपना काम कर रहा है, किसी से और से नहीं करवा रहा वो। जैसे इसमें आते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूअर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी आपके क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब माई सेल्फ किसके साथ यूज़ करोगे? आई के साथ। हर सेल्फ यूज़ होगा शी के साथ। हिम सेल्फ यूज़ होगा ही के साथ। यूअर सेल्फ यू के साथ। इट सेल्फ इट के साथ। और देम सेल्फ यूज़ होगा आपका दे के साथ। ओके तो इस तरह से आप इनको जब यूज़ करोगे, जैसे आपको एग्जांपल में भी दे रखा है कि शी आपका सब्जेक्ट है तो इसके साथ हर सेल्फ यूज़ कर रखा है, दे है तो देम सेल्फ यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही इनके साथ यूज़ करते हैं, जो इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके पॉइंट आउट किया जाता है स्पेशल किसी चीज़ की तरफ। पॉइंट आउट द नाउन इट रेफर्स टू, जैसे दिस दैट दीज और दोज। इसमें सिर्फ फोर आते हैं हमारे, ये दिस दैट दीज एंड दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आएंगे। ओके एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है बेटे आपके, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ यूअर नेम, तो ये सभी आपके पीछे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और ये सभी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आते हैं शुरू में, ये होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सॉरी, आपका सिक्स प्रोनाउंस है बेटा, सिक्स आपको दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन। देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सिक्स आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट्स और जॉइंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इट, जो कि इसमें दो सेंटेंसेस को रिलेट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसमें आपके आते हैं दैट, विच, होम, हु। कौन कौन से आएंगे? दैट, विच, होम, हु, ये आपके फोर टाइप्स आते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस में। जैसे दिस इज द डॉग, दैट। एनिमल्स के लिए हम दैट यूज़ करेंगे, ह्यूमंस के लिए होम यूज़ करेंगे या हु यूज़ करेंगे, और जो थिंग्स हैं उनके लिए विच यूज़ करेंगे। ओके, एनिमल्स या बर्ड्स हैं तो दैट यूज़ होगा, पर्संस हैं तो आपका होम या हु यूज़ होगा, कोई थिंग है जैसे बुक आपकी थिंग है तो आपने विच यूज़ करना है। ओके इसके बाद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको सर्कल करने हैं प्रोनाउंस। जैसे डू यू नो द वुमेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसमें आपको सभी सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को सर्कल करना है। तो फर्स्ट में क्या है? यू है, आई है, सेकंड में आपका हीज है, थर्ड में इट, फोर्थ में आई। तो इस तरह से आपने सभी ये फाइंड आउट करने हैं अपनी बुक में। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।